नमस्कार प्रणाम दोस्तों। अगर आप लोग अपने गांव और देश का वाकई में विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने चुने हुए नेताओं पर नकेल कसना होगा। चुनाव बीतने के बाद सारे लोग विपक्ष में हो जाइए, खुलकर बोलिए कि भैया 4.5 साल तक तुम काम कर लो, 6 महीने राजनीति कर लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग टाइट नहीं होंगे ना, तो विकास नहीं होगा, चाहे वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो, पटदार हो, चाहे जो भी हो, मतलब एकदम खास से खास आपका जिगरी दोस्त हो, तो भी आप लोग उसके विपक्ष में उतरिए और कान पकड़ कर बोलिए कि भैया काम कर लो, 6 महीने राजनीति करेंगे, तुम 4.5 साल काम करो, तब जाके देश का विकास होगा। अन्यथा आप लोग अपना अपना करते रह जाइएगा और वो आपका इस्तेमाल करते 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 अपने आप को क्या से क्या बना लेगा। और ऐसा होता चला आ रहा है, हम लोग कितने दिन से देखते आ रहे हैं। इसलिए खास नहीं देखना है और जात बिरादरी तो कतई नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग नेता चुन रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं चुन रहे हैं। ज़्यादा खुलकर तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि नेता चुनने के लिए किसी जाति बिरादरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब किसी को भी हम चुन सकते हैं, सिर्फ वो अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अनपढ़े हो, उसको डेवलप स्किल की भी मतलब समझ होनी चाहिए कि इस तरीके से मतलब अपने गांव और देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहिए। नए नए जो योजनाएं हैं उसको खुद भी बनाना चाहिए, जो सरकार दे रही है, उसके बाद नए नए योजनाओं के तरीके से अपने आप को, अपने गांव को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नेता आप लोगों को चुनना हो, तब जाके कुछ हो सकता है। और अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अपनों के साथ मतलब कुछ नरम व्यवहार करते हैं। ये होता है कि अगर अपना खास है, रिश्तेदार है या दोस्त है, तो हमारा कर दे रहा है तो इतना बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। विकास देखिए तो चौमुखी विकास होना चाहिए, मतलब कि हर जगह सिर्फ काम काम दिखे, ये नहीं कि एक पक्ष का विकास हो रहा है, एक पक्ष का विनाश हो रहा है, कहीं काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। और अगर भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी हमें लड़ना होगा, क्योंकि वो पैसा हमारा है, देश का पैसा है, तो उसको हम यूं ही मतलब किसी को अपना जेब भरने नहीं देंगे। इसके लिए भी जनता को आवाज़ उठानी चाहिए। और बाकी हमारी राय अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया करिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में देख रहे हैं आप लोग वीडियो बनाता हूँ। और लास्ट में जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से, कि आप लोग जानते हैं कि मैं बनारस गया हुआ था ट्रामा सेंटर, उसे कभी मैं ज़िंदगी में उधर गया नहीं था, लेकिन जब मैं गया देखा वहाँ का स्थिति, व्यवस्थाएँ तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो मरीज आ रहे थे वो ज़्यादातर एक्सीडेंटल मरीज थे, और वे लोग वही थे जो शराब पी करके एक्सीडेंट कर रहे थे। तो मुझे वहाँ से कुछ ये सीख मिली कि मतलब शराब न पिया जाए ज़्यादातर, क्योंकि शराब पियेंगे एक्सीडेंट होगा, चोटें आएंगी, मर गए तो ठीक है, बच गए तो परिवार के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़ के मैं विनती करूँगा कि आप लोग शराब ना पिए। अगर पी रहे हैं, अगर शराब के अगर आप लोग अगर आदि हैं, छूट नहीं रहा है, तो घर पे लाइए, पी के आराम कीजिए। बाकी मैं आप लोगों को ये नहीं सजेशन दूंगा कि आप लोग शराब पीजिए ना पीजिए, आपकी मर्ज़ी। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि शराब न पिए तो बेहतर है, बाकी वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं। और जो मैंने देखा वहाँ का दृश्य, वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, और लगभग मेरे रहते वहाँ पर लगभग 3 मौतें हुई, और न जाने कितनी मौतें होती होंगी, इसको तो मैं देखा नहीं, लेकिन जो था वो बहुत भयावह था, बहुत भयानक था, देखने लायक नहीं था। मैं वीडियो बना भी रहा था, और बनाते बनाते मैं जब लोगों के जब चेहरे की तरफ जब देखा, उनके चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि हर लोग वहाँ पर मरीज लेके आए हुए थे, तो भावुक चेहरा देख करके मेरे से मतलब रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं लगा। मैं रिकॉर्डिंग को बीच में ही बंद कर दिया, फिर आप लोगों से विदा ले लिया था। और मेरा इच्छा कर रहा था कि लंबा वीडियो बनाऊं, लेकिन जानते हैं किसी को दुख पहुँचते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वीडियो को मतलब कि थोड़ा सा ही बनाया, फिर कट करके बंद कर दिया। और ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।